इसको कहते हैं पूरी तरह से डोमिनेट करना। हमने सुना था घर में घुस के मारना बड़ी बड़ी कहावत होती है, लेकिन ये कहावत कोई इंडिया के ऊपर भी पूरी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इनको कोई घर के अंदर घुस के मार ही नहीं सकता। जिस किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म की ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ पे कर रहा था तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी, अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट्स ले ली कि ऐसी स्पिन बॉलिंग हुई है, शानदार किस्म की डोमिनेटिंग स्पिन बॉलिंग हुई है कि इंग्लैंड को उखाड़ के रख दिया। और वही उसी पिच के ऊपर, सेम कंडीशन के ऊपर, हर चीज सेम के ऊपर जब इंडिया बल्लेबाजी करता है, यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट जिसको कहते हैं ना नजर आ रहा है। जायसवाल क्या खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है इस सीरीज के अंदर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड प्लेयर इसको कह सकते हैं आप। और इसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए। आज उसने 50 किया, आज भी उसको 3 फिगर में जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। विराट कोहली का 692 रन का उसने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 700+ रन स्कोर कर दिए हुए एक सीरीज के अंदर। और यही नहीं, इस 20th सेंचुरी का इंडिया की तरफ से मोस्ट जिसको कहते हैं ना हाईएस्ट रन करने वाले एक सीरीज के अंदर प्लेयर बन चुका हुआ है। और अगर वैसे ओवरऑल बात करें तो सर सुनील गावस्कर के पीछे यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, तो मुबारकबाद हो जायसवाल को। जायसवाल ने तबाही मचाई, और जायसवाल ने जिस तरीके से, भाई क्या इंग्लैंड क्या बेसबॉल खेल रहा है, असल बेसबॉल तो जायसवाल खेल के दिखा रहा है। शुएब बशीर को 3 छक्के वो मार रहा है, यही नहीं पिछले इनिंग्स के अंदर अगर बात करें तो जिमी एंडरसन को वो मार रहा था, छक्कों पे छक्के मार रहा था, तो वो तो बाज ही नहीं आता, वो तो ऐसी क्रिकेट खेलता है, उखाड़ के रख देता होता है। और आज भी अगर बात करें तो 2 चौके उसने मार लिए हुए थे, फिर वो शुएब बशीर को जिसको कहते हैं ना एवी, वो अपनी गलती से ही मैं समझता हूँ कि आउट होगा, रही बात उसकी कहते हैं शुएब बशीर की, शुएब बशीर ने उसकी विकेट लेने के बाद बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट शो की, उसको भेजा कि जाओ शाबाश। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए उस बंदे ने 700+ रन इस टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर कर दिए हुए हैं। इंडिया को जो असल फायदा हुआ है ना स्ट्रीम के अंदर, वो है जायसवाल का। इस पूरी सीरीज के अंदर अगर आप जायसवाल की परफॉर्मेंस को माइनस कर दो तो जो इंग्लैंड है ना वो हावी रहा था, लेकिन जायसवाल ने जो इंडिया की बैटिंग को मजबूत किया ना, इसने दिल जीत लिया। रोहित शर्मा ने भी शानदार किस्म का 50 मारा। अगर बात करें तो कैप्टन भी लीड कर रहे हैं फ्रंट से, शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं। जायसवाल पहला टेस्ट मैच 50+ स्कोर, अगला टेस्ट मैच 200, तीसरा टेस्ट मैच 200, चौथा टेस्ट मैच 50+ स्कोर, पांचवा टेस्ट मैच 50+ स्कोर, ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया का जो फ्यूचर, मैंने जब शुभमन गिल आया था तो मैंने कहा था बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर आ गया, अब जो है ना इससे अच्छा इंडिया को कोई और फ्यूचर का प्लेयर मिल नहीं सकता। फिर अब ये जायसवाल आ गया, अब मैं जायसवाल को देखते हुए कह रहा हूँ कि यार इससे अच्छा क्या प्लेयर इनको मिल सकता है, लेकिन होना है आगे जाके आप देखोगे इनसे भी अच्छा कोई प्लेयर आ जाएगा, इससे भी अच्छा कोई खिलाड़ी इनको मिल जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें तो भाई इंडिया की टीम जिस तरह बैटिंग करी, ऐसा लग रहा है कि इनसे अच्छी कोई बैटिंग कर ही नहीं सकता। आप ये चीज को माइंड के अंदर रखना है, 100 के ऊपर इंग्लैंड का भी 1 ही आउट था, इंग्लैंड का भी 100 के ऊपर 1 आउट था, और उनके 218 पे सारे आउट होके एकदम से वो कोलैप्स कर गए। अब इंडिया कोलैप्स करेगा या जिसको कहते हैं इंडिया तरीके की बल्लेबाजी खेलेगा। देखिए इंग्लैंड और इंडिया की टीम में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो इंडिया की टीम है ना वो इंग्लैंड की तरह ऐसी फजूल क्रिकेट नहीं खेलती कि या तो आड़ या तो पार, मारेंगे तो बड़ा मारेंगे नहीं मारेंगे तो कुछ नहीं होता, ये वाला काम नहीं करती। वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं और उनकी यही तो खासियत है। रोहित शर्मा को अगर आप देख रहे हैं तो रोहित शर्मा चाहे तो ये जैक करोली क्या, बेन डकेट क्या, इनको सबको पीछे छोड़ देगा वो अपनी क्रिकेट खेलने पे है, लेकिन वो बड़ी तरीके की क्रिकेट खेल रहा होता है, बड़ा संभल के खेल रहा होता है। यही तो चीज चाहिए, यही चीज तो मैटर करती है, और ये इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही। आज का दिन अगर बात करें तो टोटली 110% इंडिया के नाम हुआ है। शानदार किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, पूरी तरह से डोमिनेट इन्होंने किया है। और अगर प्लेयर की बात करें तो आज का दिन मैं समझता हूँ कुलदीप यादव के नाम है। देखिए अश्विन ने भी विकेट्स ली, 4 विकेट्स ली, लेकिन जो विकेट्स कुलदीप ने लिए ना, पहली 4 ही कुलदीप ने उनकी उखाड़ी थी। बेन डकेट, जैक करोली, ओली पॉप हो गए आपके, इसी के साथ साथ आपका जिसको कहते हैं जोनी बेस्ट्रो हो गए, सारे के सारे विकेट जो थी ना ये आपके कुलदीप यादव ने लिए हैं, बड़ी विकेट्स को लिए हैं। बेन स्ट्रोक को उसने आउट किया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ जो आज का दिन था वो कुलदीप यादव का हो गया। अब आप देखें धर्मशाला के स्टेडियम के अंदर कुलदीप यादव ने डेब्यू किया था, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, और धर्मशाला के स्टेडियम के अंदर ही एक और शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा दी। 2017 से लेके अभी तक 7 ईयर्स इस बंदे ने 7 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेले हैं,
ये जैसा कहते हैं ना, मुझे हजम नहीं हो रहा, इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा बॉलर इस सीरीज के अंदर डोमिनेट कर रहा है प्रॉपर तरीके से। जडेजा और अश्विन की होते अगर कोई स्पिनर डोमिनेट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव है। सेम चीज कहूंगा कि हमारे घर में भी इंग्लैंड आई थी और अभी दोबारा भी आएगी, 3-0 से हमें हरा के गई थी, दोबारा से 3-0 से हरा सकती है क्योंकि हमारी बॉलिंग अभी भी वैसी है जैसे पहले थी और हमने पिचेस वैसी बनानी जैसे पहले बनती थी। तो क्या होगा हमारा, अब हाल सोच लें। मैं हमेशा ये कहूंगा कि देखो, जहां से आपको सीखने का मौका मिले तो आपको सीखना चाहिए। हमें यहां से सीखने का क्या मौका मिल रहा है, हमें देखना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश और इंडिया अपने घरों में डोमिनेट करते हैं। कंडीशन अपने मतलब की होती है, प्लेयर्स को सूट करते हैं वो कंडीशन, हम अपनी कंडीशंस को क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाते, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब कोई मुझे दे दे काइंडली कमेंट्स के अंदर, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखे ना किसी तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं अपने घर के अंदर। देखो किसी को भी पता है ना, उसने बांग्लादेश के अंदर जाके खेलना, उसके माइंड के अंदर रहेगा यार स्पिन ट्रैक बना देंगे, इनके स्पिनर बड़े खतरनाक है, 100-150 के अंदर भी टीम आउट हो सकती है और 100-150 चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट परसेप्शन आता होता है जब आपने बांग्लादेश का माइंड के अंदर आता है। सिमिलरली अगर आप श्रीलंका का सोचोगे तो आपके माइंड के अंदर सेम चीज आएगी, स्पिन विकेट्स होंगी, मुश्किल होगी बैटिंग करना, श्रीलंका डोमिनेट करेगा। और जब इंडिया का नाम लोगे तो आपके माइंड के अंदर आएगा स्पिन ट्रैक भी होंगे, फास्ट ट्रैक भी होंगे, बैटिंग कंडीशंस भी होंगी और इंडिया हर कंडीशन में डोमिनेट करेगा। तो ये चीज मैटर करती होती है। ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो ऑस्ट्रेलिया के माइंड के अंदर ये चीज आती है कि वहां पे बाउंसी ट्रैक होंगे, पेस से बॉल आएगा, स्विंग मिलेगा। न्यूजीलैंड के अंदर ही ऐसा होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर ग्रीन पिच होगी, बाउंस बड़ा खतरनाक होगा, बॉल स्किट करेगा, हर चीज माइंड के अंदर आती है। लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो कुछ माइंड के अंदर नहीं आता, सिर्फ एक चीज आती है, मुफ्ती के 2 पॉइंट्स। यकीन करें जब पाकिस्तान का कोई सोचता होगा ना टीम, हमने पाकिस्तान में जाके खेलना, तो वो ये सोचते होंगे यार ये तो हमारे लिए फ्री जिसको कहते हैं ना पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स लिए वैसे के वैसे वो भी ले लेंगे। इस तरह के लोगों के माइंड में ख्याल आते हैं, तो ये नहीं आने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें भी ऐसे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए और डोमिनेट करना चाहिए। आज के दिन के अंदर इंडिया ने जिसको कहते हैं ना शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, थोड़े से पीछे रन रह गए, वो भी ये लोग उतार लेंगे, उनकी पोजीशन बड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब कल के दिन इंडिया क्या कर सकता है ये आपने बताना, और आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि आपकी नजर के अंदर आज का दिन किसके नाम हुआ, अश्विन के नाम हुआ, जायसवाल के, कुलदीप के, या रोहित शर्मा के, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। और मेरा उन क्रिकेट जो क्रिकेट को डीप फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट का हर मैच देखते हैं, बड़े तरीके से देखते हैं, हर चीज को समझते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी नजर के अंदर इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, क्या इंग्लैंड कौन सी गलती कर रहा है, आपने कमेंट के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि ना इंग्लैंड जो है ना एक ही चीज को अडॉप्ट करके बैठा हुआ है, बेसबॉल को। इंग्लैंड को चाहिए कंडीशन वाइज चेक करें, कंडीशंस के लिहाज के, पिच के लिहाज से बेसबॉल को अडॉप्ट करें। आपको यूटिलाइज करना पड़ना है, आपको देखना पड़ना है, कुछ कंडीशन सूट नहीं करती होती, कुछ सामने वाली टीम को भी देखना पड़ता है। बेशक आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए के साथ आखिरी 3 टेस्ट मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन वो आपका घर था, ये इंडिया का घर है, तो सोचे कुछ देखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। तो आपने इन चीजों को कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको कि यहाँ पे इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है। अगर बात करें इंडिया की टीम की, तो भाई देव पार्टिकल खेल रहे हैं, तो हम उनको देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस वो करके दिखाएंगे। अच्छा खिलाड़ी है, मैंने इसको डोमेस्टिक खेलते हुए देखा, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अब देखना यह है कि ये आज के मैच, आज मतलब कल जब बल्लेबाजी करने का, कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। रजत पाटीदार को काफी चांसेस मिल गए, बिल्कुल सही किया। अब जरा इंग्लैंड की बात करें तो देखिए, इंग्लैंड की बॉलिंग को देखें तो इंडिया की बॉलिंग को देखें, पहले टेस्ट मैच में लग रहा था कि इंडिया, इंग्लैंड के पास भी बड़े शानदार स्पिनर्स हैं, लेकिन वो अगले मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाए क्योंकि इंडिया ने उनको तरीके से खेला। पहले टेस्ट मैच में इंडिया अपनी गलती से उनके खिलाफ आउट हो रहा था, उन्होंने गलती नहीं की, सीखा कुछ, बट इंग्लैंड ने सीख पा रहा। इंग्लैंड जज्बाती है, इनके खून के अंदर इतनी गर्मी कैसे आ गई मुझे नहीं समझ आ रही। सिमिलरली अगर बात करें इंग्लैंड की, तो मैं पहले दिन से ये चीज बोलता आ रहा हूं जब से सीरीज शुरू हुई है कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी जो वजह बन रही है ना हारने की, वो ये कि जो रूट और जोनी बेस्ट रन नहीं कर रहे। जब ये चलेंगे तब इनकी टीम चलेगी और इनकी टीम बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। तो इनका रन करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि अब जो इंडिया जिस पोजीशन के ऊपर आई हुई है, सरफराज खान हो गए, जडेजा हो गए, नीचे प्लेयर्स काफी ज्यादा है, इन सबको परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखानी चाहिए और बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखानी चाहिए और ट्रिपल फिगर के अंदर एटलीस्ट बंदों को जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनका स्टार्ट हुआ है इनको इसको आगे अच्छा लेके चलना पड़ेगा। इससे इनका भी फायदा होगा और टीम का भी फायदा होगा। कोशिश करें कि अगर चाहे तो इंग्लैंड को एक इनिंग से ही हरा दें, बड़ी जीत अपने नाम करें, मजा आ जाएगा देखने का।